मानो सर इधर ये भाई बुरा मत ना साहब वर वर दादा दादा फोटो साहब एक फोटो समोर लेफ्ट लेफ्ट मैम ऊपर सामने सामने एकदम विद्याजी लैब सोलो राइट राइट रेखा जी रेखा जी रेखा जी रेखा
रेखा में, रेखा जी लेफ्ट लेफ्ट, रेखा जी ऊपर ऊपर लेफ्ट में ऊपर, रेखा जी लेफ्ट में ऊपर, मैडम यहाँ सही ला, स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट, स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड, मैडम लेफ्ट साइड, मैडम यहाँ पर, धन्यवाद, इंजन में कैसा कैसा ऊपर सर सर सर
देगा, बोलेगा खुद चला जाएगा। बस बस वेरी गुड। चलते रहे चलते रहे, रुक मत, चलते रहे। ये भाई सर में लगेगा, देखना कैमरा किधर जा रहा है। अरे माकी तोड़ दिया। तुम सर आए साथ में इधर ही। सचिन सर, सचिन सर साथ में, सचिन सर साथ में, विद्या जी के साथ, विद्या जी के साथ, जी विद्या जी साथ में, एक मिनट विद्या जी। तो बहुत ठंडी लग रही है सर, इधर से सर, राइट सर, राइट सर, सर सामने, सर इधर सर, सचिन सर सामने, देख ले नहीं मिले। रोलिंग चलो। किस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है पहली स्क्रीनिंग में और किस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है? यार मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, अभी इंटरव्यू हुआ था, मैंने सुना कि काफी लोगों को पसंद आई है फिल्म और हमने बड़े मेहनत से बनाई है। मेरे को पूरा विश्वास है इस फिल्म पे, एक बहुत प्यारी पारिवारिक मनोरंजक एकदम धमाल फिल्म है और आए मेरे को लगता है सबको बहुत पसंद आएगी। पहले कहीं जो इसमें कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी नया है, एक आरजे का कॉन्सेप्ट है इसमें, तो किस तरह से बॉलीवुड से आपको रिस्पांस मिल रहा है? खास कॉम्प्लीमेंट अब तक का कौन सा मिला है? दो चीज़ हैं जो बहुत ही ज़्यादा सब लोग बोल रहे हैं कि फ्रेश है और रियल है। ये दो शब्द सबके पास हैं कि ये फ्रेश दिख रही है, रियल दिख रही है, परफॉर्मेंसेज की बहुत तारीफ है और ओरिजिनल स्टोरी है। सुरेश त्रिवेणी ने सिक्स मारा है, ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर वी हैव, मतलब मेरे को लगता है अभी उनका एकदम शूट करेंगे ऊपर। तो सब चीज़ बड़ी अच्छी है, पूरी फिल्म का लोगों का जो रिएक्शन है सबका और पॉजिटिव, बहुत अच्छी फील है। ब्रिलियंट, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस हमारी कंट्री की विद्या, और जितना वो देती हैं एज एन एक्टर वो बहुत गजब है एंड आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे को उनके साथ काम करने का मौका मिला। मैंने कहीं बहुत ही जल्दी विद्या जेलप हो जाती है, कुछ खास तरह का माहौल था सेट पर विद्या के? यार आप विद्या के साथ पाँच मिनट बिताओगे ना आप हंसने लगोगे, तो उसका एक वो है कि वो खुद तो हंसते हैं और दूसरों को भी बहुत हंसाते हैं, तो वो पूरा माहौल जो है एकदम ऐसा लगता है कि आप पिकनिक पे आए हो, फिल्म नहीं बना रहा। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि प्रोड्यूसर के साथ साथ डायरेक्टर के ऊपर भी प्रेशर आता है, तो क्या ये आर्टिस्ट के ऊपर भी एक प्रेशर आता है? आपने किस तरह से प्रेशर को ये किया? नहीं मेरे ख्याल से इसमें बहुत प्रेशर महसूस नहीं हुआ, क्योंकि सारे हमारे जो जितने भी एलिमेंट हैं, मतलब चाहे सौरभ गोस्वामी हो, कैमरा के अतुल हो, शांति हो, जितने प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, सब लोग एक साथ थे और हम लोग मिल के बहुत मेहनत कर रहे थे और मुझे लगता मेहनत का फल अच्छा होता है। ईमानदारी से यहाँ से फिल्म बनाओ, इट ऑलवेज वर्क्स। हाल ही में कुछ मूवी को लेकर कहा जा रहा है, पद्मावती को लेकर कहा जा रहा है कि उनका जो कॉन्ट्रोवर्सी है, जो मुद्दा है, वो बहुत ही उभर कर सामने आ रहा है, पॉलिटिकल एंगल भी इसमें ऐड जोड़ दिया गया है, तो उस पर आपका क्या रिएक्शन है? मुझे लगता है कि आर्ट सिनेमा बोलते हैं हम फिक्शन, हम पहले बोल देते हैं फिक्शन है और ये वर्ड है काल्पनिक और किसी की भावना को आहत कभी नहीं पहुँचाना चाहते। हम लोग आर्टिस्ट हम आपको एंटरटेन करते हैं, आपको कहानियों से एंटरटेन करते हैं, तो इट्स ऑल एंटरटेनमेंट, डोंट टेक इट सीरियसली, इट्स नथिंग, आप उसको ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, वी आर ऑल एंटरटेनिंग, दैट्स इट। सारी सुधु के बाद आपका
पता नहीं, पता नहीं, सब आने वाला है, सब दिखाई देगा। थैंक यू सर। बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे, मेरा विश्वास। थैंक यू सो मच। वेरी एक्साइटेड। आई थिंक ट्रेलर में विद्या का जो काम है इसमें, द वे शी इज एक्टेड, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दैट। और ट्रेलर में तो आई वॉज लाफिंग अलॉट, सो आई एम होपिंग दैट द फिल्म इज ऑल्सो ग्रेट। बॉलीवुड फिल्म के बारे में आप कुछ देंगे, आप किसमें दिखाई देंगी कुछ? आई लेट यू नो सून, आई विल अनाउंस समथिंग, बट लेट बी अबाउट टुडे। एक्साइटेड दैट मोर वुमेन ओरिएंटेड फिल्म आर कमिंग अप, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग फॉर एक्टर्स एक्ट्रेसेस। सो आई होप दिस डज रियली वेल। थैंक यू। आई थिंक वी शुड मेक इट अबाउट तुम्हारी सुल्लू। आई थिंक वी शुड मेक इट अबाउट तुम्हारी सुल्लू टुडे, बिकॉज दैट ऑल आर द फिल्म दैट टुडे इज अबाउट, टुनाइट इज अबाउट। बिना देखे बता दिया। हाँ जी, बहुत एक्साइटेड बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ विद्याज एंड अतुल ऑफ कोर्स इज अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन, और उन्होंने पहली जो अपनी फिल्म प्रोड्यूस करी थी वो इतनी अच्छी करी थी, तो दूसरी उससे भी ज्यादा अच्छी करी। मैं, मेरा वेब सीरीज चल रहा है ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस ऑन हॉटस्टार, आई एम ऑल्सो डूइंग अ मैच प्रीव्यू फॉर लिटिल मोर जीके, सो आई एम प्रोड्यूसिंग मोर स्पोर्ट कॉन्टेंट देन। एक्टर मेरे को देखना नहीं चाहता, सिर्फ वो क्रिकेट भी देखना चाहते हैं, तो जो पब्लिक मानती है वही देते हैं। ये बात कहां से कहां पहुंच गई, ये बात कहां से कहां पहुंच गई। नाइस मेमोरीज। हाय, गुड, हाउ आर यू? बहुत एक्साइटेड हूँ, जाहिर सी बात है, अब दो ही दिन बचे हैं, लोगों ने फिल्म देखना शुरू कर दिया है, अच्छे रिएक्शंस मिल रहे हैं। आप सब देखिए, बताइए कि आपको कैसी लगी। थैंक यू। मुझे सॉरी, ये कब हुआ मुझे नहीं पता। आज ही हुआ है, आज ही ये खबर आई है कि दो फिल्में, एक मलयाली फिल्म और एक मराठी फिल्म, इन दोनों ही फिल्मों को ड्रॉप आउट कर दिया है। जस्ट बिकॉज ये लिस्ट दो महीने पहले गई थी मिनिस्ट्री के पास, पर मिनिस्ट्री ने ये रीजन दिया है कि ये दोनों ही फिल्में दिखाने लायक नहीं है, और इसी के चलते सुजॉय घोष जो है पर मैं इसके बारे में कमेंट नहीं करना चाहती फिलहाल, बिकॉज मैं पूरी जानकारी ले लूं, कुछ यू नो हाफ बेक नॉलेज इज टेरेबल, तो मैं जानकारी एक बार मैं हासिल कर लूं, उसके बाद मैं इस पे कमेंट करूंगी। हाँ, थैंक यू। मैंने वो ऑलरेडी कह दिया है, फिलहाल मैं बहुत सेल्फिश बनने वाली हूँ, सिवाय तुम्हारी सुलू के किसी फिल्म का मैं नाम तक नहीं लूंगी। थैंक यू। तो अतुल बहुत खास दोस्त है मेरे, और नीरजा बहुत ही अच्छी फिल्म थी, सो आई एम वेरी एक्साइटेड, ट्रेलर बहुत पसंद आया, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू। Bite over here. Okay. Yes. No bites. Good. Film ke baad. Yes, very excited. Promotions बहुत अच्छे हुए हैं, और फिल्म का एक जो है, जो एक महक है. I think it's going to be a good film.
सुना है कि विद्या's परफॉर्मेंस इज अमेजिंग सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म एंड हैव सम फन. हाँ क्यों नहीं, आजकल हाउसवाइफ क्या, आई मीन मैंने एक फिल्म बनाई पूर्णा जहाँ पे पोस्टर पे लाइन था लड़कियाँ कुछ भी कर सकती हैं, तो अगर लड़कियाँ कुछ भी कर सकती हैं तो जाहिर है कि महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं. थैंक यू. अभी मैंने देखी है एक्चुअली, मैं अतुल, मेरे जो दोस्त है अतुल और तनु, जिनको विश करने आया था. मुझे फिल्म तो देखनी है लेकिन मैं दोस्तों के साथ थिएटर में जाके देखूंगा क्योंकि अभी मुझे कहीं और एक चीज को भागना है. ट्रेलर को देखकर आपको कैसा लगा ट्रेलर? आई थिंक इट्स वेरी नाइस, इट रिलेट्स टू आई मीन व्हाट मॉडर्न सिनेमा इज एंड मोर देन दैट आई हैव कम हियर फॉर माय फ्रेंड्स अतुल एंड तनुज. So I'm not gonna comment on how the movie is or anything like that because I haven't watched it. And trailer ko dekh ke jaise bolte never judge a book by its cover. So even though it's looking good, I won't talk about it. नहीं, आज मैं सिर्फ इसी के बारे में. Thank you. ये है ABP News, आपको रखे आगे.